अच्छा लग रहा है इस यूनिवर्सिटी में आके। एटीट्यूड दिखा रहा है। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, दरसा खुल गया है। आप अपने साथ एक बंदा और लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा हूँ मैं? मैं जैसा भी लग रहा हूँ मुझे करें इग्नोर, क्योंकि 11 महीने वाले हैं और 11 महीने में तकरीबन 30 मिनट रहते हैं। नहाना भी है, तैयार भी होना, यूनिवर्सिटी भी पहुँचना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जाना नहीं कहीं, ठीक है? मैं आया भी। तो इस तरह की आज काफी अर्से बाद मेरा मदरसा खुल गया है। मदरसा नहीं पता यार आपको, कमाल करते हो यार, मतलब यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी ये कोविड की वजह से बंद नहीं हुई थी हमारी, पहले कोविड की वजह से हुई थी पिछले सेमेस्टर में। अब सेमेस्टर एंड हो गया था और नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, लेक्चर तक में स्टार्ट हो गया। अब चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताता हूँ BNU में एंटर होने के लिए। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, वरना थैंक्स मी लेटर। कि आपने BNU में एंटर होना है, सबसे पहले तो आप ढूंढे कोई BNU का लड़का। अगर BNU का लड़का कोई आपका दोस्त नहीं है तो कोई भी थोड़ा पीछे रुक जाए, कोई भी लड़का हो उससे लिफ्ट लें और आपकी उस गाड़ी में, हाँ लिफ्ट ये भी नहीं कि हर गाड़ी से ले लें, उस गाड़ी में ये स्टिकर लगाओ, ये वाला स्टिकर लगाओ ना, लाजमी है। और फिर आप BNU में आसानी से एंटर हो सकते हैं। अगर किस्मत ख़राब हो तो आपको पता है कि ऊँट पर बैठे को भी कुत्ता काट लेता है, तो इसलिए भाई जान ये मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ऐसे एंटर हो सकते हैं। किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, लेकिन ये काफ़ी तक होता है कि स्टिकर वाली गाड़ी को चेक नहीं करते, लेकिन लास्ट सेमेस्टर से ऐसे हो रहा है जब से कोविड की वजह से कि हर गाड़ी को चेक करें, क्योंकि हर किसी को उन्होंने वो पिस्तौल मार के चेक करना होता है इसमें कितना करंट है। तो इस वजह से कि बस शक्लें इस बहाने देखनी पड़ जाती है, पता लग जाता है, वरना इजीली एंटर बंदा हो जाता है। ये कोरोना का चक्कर खत्म हो तो फिर दोबारा यही सीन शुरू हो जाएगा। ये देखिए जी, ये भाई के आदमी पिस्तौल है जो मैं कह रहा हूँ चेक करते कि क्या सीन है। उसको मास्क का आगे से आकर कर रहे हैं, करंट हमें पूरा निकला है, मेरे में पूरा है और सियार में भी एक्स्ट्रा था। कहते हैं आप अपने साथ एक बंदा और लेके जा सकते हैं। ये कहता हूँ लगता है आज पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, BNU का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि BNU में ना पार्किंग नहीं मिलती। थोड़े से स्टूडेंट ने फिर भी पार्किंग नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो जाओ तो आप स्टूडेंट नजर आएंगे। गाड़ियाँ इतनी कि जैसे पता नहीं पूरे पाकिस्तान का स्टूडेंट ही BNU में आ गया है। असल में सीन ये, एक स्टूडेंट आता है, एक उसके ड्राइवर गाड़ी लेके आते हैं अलग से प्रोटोकॉल में। मेरे ख्याल से ये सीन है। ये देखना पार्किंग, और एक सीन पार्किंग का सबसे बेस्ट ये भी है कि आपको जहाँ जगह मिले आप गाड़ी पार्क कर दो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि बीच में रोड में ही खड़ी कर दें हम। और मुझे साहब यार रहो को कहो साड़ी भी बारी आने दो। हाँ, तो आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, ठीक है, और राव साहब बताएं। सीन इस तरह है कि काफ़ी कुछ अर्से पहले मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A सेशन किया था। उस Q&A सेशन में मैंने पूछा था कि यार आप लोग ये बताएं कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस पॉइंट के ऊपर बनाऊं, क्योंकि मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आया था कि मैं किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट व्लॉग बनाऊं। तो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि यार BNU टूर, अगर आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, कोई ऐड बनवाना चाहते हैं, वो ऐड बेशक एनिमेटेड हो या वीडियो हो, किस तरह के भी हो, आपके पास बस एक आइडिया होना चाहिए। कोई आप पोस्टर बनवाना चाहते हैं, कोई स्टोरी कुछ भी बनवाना चाहते हैं, साथ साथ ये स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होंगी, कुछ आइडियाज़ के तौर पे ये पिक्चर वगैरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी बनवाना चाहें,
तो आपके लिए मैं एक बहुत ही परफेक्ट ग्रुप लेके आया हूँ अल्ताज आइडियाज़ के नाम से। उनकी इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी दोनों स्क्रीन पे मेंशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दोनों आईडीज मेंशन कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप और कैसे लग रहे हैं? तो पहला दिन स्टार्ट हो चुका है, आपको इस शक्ल को भी आप जानते होंगे, ये डोरेमोन और ये हमारा बर्गर बच्चा, इस बंदे से आप नहीं मिले। तो सर तारुफ आप अपना खुद ही करवा दें, जरा कैमरा पकड़े शरीफ आप करवा दो तारुफ साहब, कोई मसला नहीं। ये है जी हमारे बहुत ही प्यारे, ये प्यारा तो नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। बेइज्जती ना करो राव साहब, ऐसे ज्यादा वाली बात हो जाएगी आवाम के सामने। ये हमारा नहीं नहीं ये हमारा है साइकी भाई और बड़ा प्यारा माशाल्लाह से क्रिएटर अब्दुल रहमान, और ये खचों का खच और ये अब आया हमारे साथ ब्रांड मलिक एक्स ब्रांड, मलिक इंक एक्स ब्रांड एम्बेसडर। ये किसका है? मुनार हैं, किसका? मुनार का ब्रांड, मुनार का ब्रांड एम्बेसडर। 1 महीना हो गया जिम करते हुए जी। मलिक साहब क्या फरमाएंगे आप? बड़ा अच्छा लग रहा है इस यूनिवर्सिटी में आके। दिल गार्डन हो गया। पुराने दौर में जब जंग शुरू होती थी तो कौम को जगाने के लिए नगमे सुनाए जाते थे। जगाने से मुराद ये नहीं कि सोए हुए को जगाया जाए, जगाने से मुराद ये कि यानी मुल्क की खातिर जज्बा पैदा किया जाए। जैसा आपको पता पाकिस्तान में सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता, तो भी एनजीओ के लड़कों ने सोचा क्यों ना पुराने दौर की याद को दोबारा ताज़ा किया जाए। तो इस बार ये नगमा नहीं गाना कह लें, ये जंग के लिए नहीं सफाई के लिए है। BNU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आपको पाकिस्तान के तमाम रंग देखने में मिलेंगे। यहां आपको आर्टिस्ट भी मिलेंगे, यहां आपको शोखे भी मिलेंगे, मतलब मेरी तरह के, और यहां आपको बहुत ही मिटे हुए लोग मिलेंगे। मिटे हुए से मुराद ये नहीं कि डाउन टू अर्थ, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है। वो कहते हैं ना अपना काम बंदा बाढ़ में जाए जनता, मतलब उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। और अगर BNU की सबसे मशहूर जगह की बात की जाए तो वो है BNU का एयरपोर्ट, वहाँ बहुत जहाज लैंड होते हैं। अब मैं इस एयरपोर्ट के बारे में खुलकर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे व्लॉग मेरे घर वाले भी देखते हैं, और अगर मैंने एयरपोर्ट के बारे में खुलकर एक्सप्लेन किया BNU वाले वो समझ गए होंगे, मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसके बारे में खुल के एक्सप्लेन किया तो मेरे घर वाले मुझे वापस बुला लेंगे, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी छुड़वा देंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। How's the zilalat? Dude, yaar pehla din intehai farak guzra raha hai. Mustafa, how's the zilalat? नए सेमेस्टर का पहला दिन और मैं क्लास ले रहा हूँ। वो कहते हैं ना साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, एब्सेंट से लगता है। और मुझे पता आप लोग ये कह रहे होंगे कि लिपसिंग मेरी बिल्कुल मैच नहीं कर रही। यार ये वीडियो तकरीबन मैंने 4.5 महीने पहले बनाई थी, और अल्लाह की कसम वीडियो बनाते हुए मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं दिल ही दिल में क्या बोल रहा था। तो इसीलिए लिपसिंग को इग्नोर करें। शुरू में मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको BNU का टूर करवाऊंगा, टूर तो मैंने बिल्कुल नहीं करवाया। उसकी रीज़न ये थी कि व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर लिया लेकिन उसके बाद कुछ ज़रूरी काम करना पड़ गए जिसकी वजह से व्लॉग उस दिन में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा था किसी और दिन इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगा, इसी में ऐड कर लूँगा, लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है ऑपरेट हो गया, मैं वापस घर आ गया, तो आगे मत ये व्लॉग नहीं शूट कर पाया था। तो थोड़ा पार्ट यही था जो मेरे पास शूट था, तो सोच रहा था कभी सोचते इसको अपलोड करूं ना करूं। तो ये वीडियो भी तकरीबन मेरे पास कोई 4.5 महीने पहले मैंने ये शूट की थी, तो उस टाइम की मेरे पास रखी थी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको अपलोड कर दूं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।